प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड लेजर फिजिक्स, और आज फर्स्ट यूनिट का ये हमारा 8th लेक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एंड डेवलप्ड टर्म सेपरेशन। स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, एंड डबलट टर्म सेपरेशन। प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूं कि आपकी इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हर साल आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक लाइन दो लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। उसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेशन उसको जो है उसे हम ड्राइव करेंगे। सब लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस होती है और उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, लाइक दिस। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। हमने आपको बताया था कि इन एन एटम दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस एंड दिस मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज्ड बॉडी जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। उसके साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है एंड दैट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अबाउट इट ओन एक्सिस एंड दैट मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस स्पिन मोशन दैट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस स्पिन मोशन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये हमारे इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इंट्रैक्ट करता है और जिसे हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इन एन एटम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, अभी जो मैंने बताया था कि जो स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रैक्ट विद दी इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट विच प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। देखिए, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा उसके साथ इंट्रैक्ट होता है, उसे तो हम स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन कहते हैं। तो वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहें, अपने नोट्स बना लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, नोट्स आपके बन जाएंगे और फिर आप पेपर में अच्छा लिख के आएंगे, अच्छी स्कोरिंग होगी। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इंटरैक्ट विद द इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मेरे बेटे, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है उसकी वजह से ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये इंट्रैक्ट करता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। इट इज कॉल्ड, मैं लिख भी देता हूं, इट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। और इसी स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से जो है, जो आप देखेंगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एक लेवल
स्प्लिट हो जाता है दो लेवल्स में, लेवल में स्प्लिटिंग हो जाती है इस तरह से, और उन लेवल स्प्लिटिंग की वजह से ही फिर लाइन स्प्लिटिंग हो जाती है। क्योंकि एक आप देखेंगे कि जैसे हमने सोडियम के केस में देखा था कि हमें दो लाइन्स अपीयर होती हैं तो डबल लाइन्स में स्प्लिट हो जाती है, एक लाइन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन की वजह से, एक यहाँ की वजह से होता है। वही चीज़ मैं यहाँ लिख जाता हूँ, यानी कि ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन द लेवल स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस। वही बात, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन देर अकर्स लेवल स्प्लिटिंग। जैसे ये लेवल जो है, एक जो लेवल था पहले एक लाइन थी, वो डबल लाइन में ये लेवल स्प्लिट हो जाता है, लेवल स्प्लिटिंग। एंड हेंस, और इसी लेवल स्प्लिटिंग की वजह से लाइन स्प्लिटिंग, डबल लाइन हमें दिखाई देती हैं, लाइन स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस। अब इसी को हम शुरुआत करेंगे। हम एक बात आपको बता के चलते हैं, देखिए स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हुआ, यानी कि ये स्पिन मोशन की वजह से मान लो एक मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि भाई एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसकी एक मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, और वो हमने पीछे ड्राइव किया था कि जब किसी डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल को, तो उसकी जो एनर्जी होती है जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी कहते हैं, वो क्या होती है। वही देखिए, दी मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन क्या होगी, ये देखिए, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी ये कितनी होती है वो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू म्यू एस डॉट बी। ये देखिए म्यू क्या है, म्यू एस क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन जिसको हम ड्राइव करने वाले हैं, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दी ऑर्बिटल मोशन, यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को हमने दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसकी वजह से जो एनर्जी है वो ये है। बस अब हमें कुछ विशेष नहीं करना है, अब हमें एक म्यू एस की टर्म निकालनी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वहीं से टर्म लेंगे, और बी क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो क्या होता है, उसको हम यहाँ लिखेंगे और आगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चले। अब हम पहले देखते हैं कि हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है, जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज हमें यहाँ रखनी है और फिर थोड़ा आगे हम चलेंगे। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन की वजह, मोशन, प्यारे बच्चों देखिए ये होता है हमारा, मैं लिख देता हूं बी, इट इज इक्वल टू ई क्रॉस वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है, यहां ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि भाई ये न्यूक्लियस का भी तो प्रभाव, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, और ये कितना होता है, ये आपको बताया था, ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी, इसकी तरह में लिखते हैं, या फिर हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दें तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी आर, इस तरह से। ई के स्थान पर अब हम ये टर्म लिख सकते हैं, टर्म्स याद रखना क्या कर रहे हैं हम लोग, ई के स्थान पर ये लिख देते हैं, चलिए तो फिर हमें, क्योंकि हम तो चाहते हैं एक हमारे पास बी आ जाए, एक हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन आ जाए, तो इनकी वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी आ जाएगी, और उसके बाद तो हम
टर्म शिफ्ट जो है वो निकाल लेंगे, टर्म वैल्यूज जो आएंगी वो निकाल लेंगे, जिससे कि लेवल स्प्लिटिंग और लाइन स्प्लिटिंग की बात हो जाएगी। पर चलिए देखते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ ई इन दिस इक्वेशन, यहाँ पर माइनस वन बाई आर सी स्क्वेयर यहाँ है ही, और डी वी बाई डी आर ये भी है, ये टर्म भी हमने लिख दिया। देखिए आर को अभी हमने नहीं लिखा है, ये आर लिख दिया है, डी वी बाई डी आर लिख दिया है यहाँ पर, और क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो आर क्रॉस वी लिख दिया है। वी क्या है, वी दी एंगल वेलोसिटी ऑफ दी इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, तो देखिए आर क्रॉस वी, ये अब हमारे पास टर्म आ गई है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग एक और बात भी जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास एम है और ये वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, आर सर्कुलर पाथ रेडियस का जो सर्कुलर पाथ है उसमें, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि ये मैं बीच में रब कर रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको असुविधा ना हो कि ये टर्म कहां से कहीं। थोड़ा सा लेक्चर हमारा लेंदी रहेगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो ये देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो उसको हम स्मॉल एल से लिखते हैं, पहले भी मैंने बताया था, और ये हो गया आर क्रॉस वी, वी वेलोसिटी हो गई हो, और यहाँ से हम आर क्रॉस वी की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए तो कितनी हो जाएगी, आर क्रॉस वी इट इज इक्वल टू एल बाई एम, ये देखिए। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ आर क्रॉस वी हियर, अगर हम इस टर्म को यहां रख दें तो फिर देखिए हमारे पास क्या आता है, हम लिखेंगे माइनस वन बाई आर जो है, ये देखिए आर तो यहां है ही, एम भी है और सी स्क्वेयर भी है, ये एम मैंने यहां लिख दिया है और ये, और ऊपर एल है, नीचे यहां पर एल भी हमने यहां लिख दिया, एल लिख दिया, ये लिख, ये हमने एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हमारे पास बी आ गया है। ये एक टर्म तो हमारे पास आ गई है, लेकिन एक चीज़ हम और जानते हैं, क्योंकि एक तो ये बी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे जो हमने इस तरीके से डिराइव किया है, एक हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन, क्योंकि तभी तो ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी आएगी, उसके बाद तो हम इसकी टर्म शिफ्ट और टर्म वैल्यूज वगैरह निकालेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन क्या है, हमने आपको बताया था पीछे जब हम पूरे एटम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, उसमें हमने लिखा था कि ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन, ये क्या होता है, इसको हम म्यू एस से लिखते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस टू इंटू ई बाई टू एम, ये देखिए और एस, यही तो था, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हमने लिखा था म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम इन टू एल। अब हमारे पास जो हम चाहते थे वो आ गया है, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन जिसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं वो भी आ गया है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन वो भी आ गया है। तो अब हम मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी कुछ हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू बी फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की सहायता से यहां पर रख दीजिए। चलिए लिख लेते हैं, इक्वेशन वन बिकम्स, प्यारे बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ म्यू एस फ्रॉम हियर एंड बी फ्रॉम दिस, दिस इक्वेशन वन बिकम्स क्या बन जाए, ये देखिए द मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी ई एल एस एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, चलिए दोनों तो क्या हो गए प्लस, नो प्रॉब्लम, ये टू से टू यहाँ कैंसिल हो गया, हमने कैंसिल कर दिया है, और ये देखिए ई, ये ई लिख दिया है मैंने यहाँ पे, और नीचे एक एम यहाँ पर है, एक एम यहाँ पर है, जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर, यहाँ भी हमने एम स्क्वेयर कर दिया है, और सी स्क्वेयर यहाँ ऑलरेडी है, ये भी मैंने लिख दिया है सी स्क्वेयर, वन बाई आर, ये देखिए यहाँ आर पहले से ही है, इस आर की वैल्यू हमने लिख दी है, और इंटू डी वाई बाई डी आर, ये भी आप लिख दीजिए डी वी बाई, ये टर्म भी होगी एम सी स्क्वेयर, आर भी हो गया है, बच गया है यहाँ पर एल, एल तो ये है और एस ये है, और क्योंकि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो हम लिख देते हैं एल डॉट
ऐसे ये देखिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसकी स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक थ्योरी अप्लाई करके इसकी वैल्यू को हाफ कर देंगे, यानी कि ऑन अप्लाइंग रिलेटिविस्टिक थ्योरी, रिलेटिविस्टिक थ्योरी द वैल्यू, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं रिड्यूस्ड टू हाफ, ये आधी हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर ये डेल्टा, ये टर्म को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ई एल एस इट इज इक्वल टू, ये देखिए ई बाई टू एम सी स्क्वेयर, ये टर्म हमने लिख दी है, वन बाई आर इंटू डी वी बाई डी आर इंटू एल डॉट एस, ये आ गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस इनकी वैल्यूज निकालते जाना है और आगे बढ़ना है। जैसे भी जो जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें हर कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा यार ये हम इस रास्ते से निकले या इस रास्ते से जाएं, आपको अपने आप वहाँ पर जाके कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए, हम ये निकालना चाहते हैं एल डॉट एस। और एक और बात है बेटे, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते, ये हमने बताया, ये अपनी पोजिशन को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। आप यही लिखेंगे कि द ऑर्बिटल मोशन, ये फिक्स नहीं है कि यही रिवोल, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं जिसकी वजह से हम उनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। द ऑर्बिटल मोशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, सो वी टेक एवरेज वैल्यू। ये आप देखते रहिए, इसमें मैं टर्म्स बताते रहता हूँ, मुझे पता है कि हमें यही वैल्यू निकालनी, मुझे पता है, और आप भी थोड़ी देर बाद जान जाएंगे कि मैं पहले एल डॉट एस की वैल्यू निकालना चाहूँगा, वो यहाँ रख देंगे, डी वी बाई डी आर की वैल्यू निकालेंगे वो रख देंगे, और धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ, जो हमारी मेन चीज़ है कि हम मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी और फिर वो डबल टर्म सेपरेशन जो है वो क्यों होता है, जिसे हम टर्म शिफ्ट कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सो वी टेक एवरेज वैल्यू, कैसे वो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, ये कैसे निकालते हैं, जे होता है एल प्लस एस, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ इन टू एल प्लस एस, यही तो हुआ। तो इसको अगर हम करें तो एल डॉट एल ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एल डॉट एस मेरे साथ साथ देख सकते हैं, प्लस एस डॉट एल और प्लस एस डॉट एस, एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, देखिए इसको ये एस स्क्वेयर हो गया है, और प्लस हम लिखेंगे टू एल डॉट एस, ये देखिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर एल डॉट एस की वैल्यू चाहिए जो हमें यहाँ रखनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए एल डॉट एस देखिए प्यारे बच्चों, हम इस एल डॉट एस की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर इधर तो ये जे स्क्वेयर है, जे डॉट जे, इसको हम लेफ्ट साइड डायरेक्शन लेके जाते हैं, तो माइनस, ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, ये टर्म को इधर रखें उधर, एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, ये देखिए एक बार देख लीजिए, डिवाइड बाई टू, ये टू एल एस की वैल्यू को हमने यहीं रखा, और इन दोनों टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड में ले आए, तो जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर और माइनस एस स्क्वेयर और डिवाइड बाई टी टू, क्योंकि हम इस एल डॉट एस की वैल्यू यहाँ रखना चाहते हैं। एक और बात कि हम अगर वेव मैकेनिक्स को यूज़ करें तो आप बता सकते हैं कि जे स्क्वेयर एल स्क्वेयर और एस स्क्वेयर इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं, देखिए चलिए पहले उसी को लिख लेते हैं, यूजिंग वेव मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जे है रूट जे इंटू जे प्लस वन और एच अपन टू पाई, और इसी तरीके से एल की वैल्यू क्या होगी, एल विल बी इक्वल टू लाइक दिस, ये तो जे की वैल्यू मैंने बताई और एल की वैल्यू हो जाएगी एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपन टू पाई। ठीक है, ऐसे ही एस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी वे मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए, एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपन टू पाई, ये वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए एक बार ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जे इंटू जे प्लस वन, स्क्वेयर रूट हट गया है यहाँ पे,
इसको हम एच अपन टू पाई को सारे को बाहर ले लेंगे, माइनस एल इंटू एल प्लस वन। मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए। ये देखिए ये वैल्यूज हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और साथ में क्योंकि ये स्क्वेयर था तो यहाँ तो स्क्वेयर रूट हट गया है, और ये एच अपन टू पाई का क्या हो जाएगा, इनका तो स्क्वेयर रहेगा ना, एच स्क्वेयर अपन फोर पाई स्क्वेयर, ये हो गया। ये वैल्यू हमारी एल डॉट एस की आ गई है। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखने वाले हैं इस मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी को निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले हम डी वी बाई डी आर की वैल्यू और निकाले थे, फिर एक साथ ही दोनों की वैल्यू रख देंगे। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। क्या है जेड ई, आप जानते ही हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप पेटे ध्यान आ जाता है, क्योंकि हमें डी वी बाई डी आर निकालना तो हमारे पास वी होना चाहिए ना। तो इस न्यूक्लियस की वजह से इस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रॉन है वहां पर पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों देखिए न्यूक्लियस के द्वारा कितना होता है वो आप जानते हैं, वी इज इक्वल टू माइनस, आपने पढ़ा था ना पीछे, वन और फोर पाई आप क्यू बाई आर, क्या था, वन और फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू क्या है, चार्ज है, आर डिस्टेंस है, और ये तो वन और फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिख देते हैं, ये देखिए, और आर ये आ गया, ये आपने पढ़ा ही था पहले, लोअर क्लासेज में आया हुआ है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वी बाई आर, कोई बात नहीं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस डी वी बाई डी आर ये कितना हो जाएगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, मैं लगा देता हूँ माइनस ई, फोर पाई अपसाइन, ये तो कॉन्स्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये आर है ना, ये आर की पावर ऊपर जाके माइनस वन होगी, और उस पावर को जब हम इधर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी, और फिर पावर में से एक घटा देंगे तो वो नीचे आर की पावर माइनस टू हो जाएगी। जानते हो ना आर की पावर माइनस वन है, इसका डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है, तो कैसे करेंगे, आर की पावर को इधर लिखा और पावर में से एक घटा दिया तो माइनस टू हो गया ना, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, और आर की पावर नीचे स्क्वेयर कर दी। अब हमारे पास डी वी बाई डी आर भी आ गया है, और हमारे पास एल डॉट एस ये भी आ गया है। पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, जो हमारा टारगेट है, जो हम चाहते हैं, तो चलिए रख देते हैं प्यारे बच्चों। पुट दी वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी आर एंड एल डॉट एस फ्रॉम हियर इन दिस इक्वेशन, वी राइट डेल्टा ई एल एस, जो हम चाह रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, अब हमें बस एल डॉट एस और डी वी बाई डी आर की वैल्यूज रखनी है। चलिए रख देते हैं, अब टर्म्स कोई रह ना जाए वो देखना। यहाँ से ई है, हमने ई लिख दिया है, नीचे देखिए यहाँ पर 2 एम सी स्क्वेयर, ये भी लिख देते हैं एम सी स्क्वेयर, ये लिख दिया है, आप भी इसको साथ साथ लिख दीजिए। 1 बाई आर को हम बाद में देखेंगे, डी वाई डी ए आर के स्थान पर ये टर्म्स हैं वो लिख देता हूँ मैं, जेड ई और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी लिख दिया है, साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर एच स्क्वेयर अपॉन फोर पाई स्क्वेयर, वो भी लिख दिया है, और एक और टर्म भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो टर्म है इसको भी लिख लीजिए, जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन, ये टर्म भी हमने यहाँ लिख दी है, मल्टीप्लाई में हो रहा है। और साथ में देखिए एक टर्म यहाँ और है, आप देख रहे हैं कि जो 1 बाई आर क्यूब, इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ये भी लिख दिए, इसकी वैल्यू हम क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ यूज़ करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी से इसकी वैल्यू भी रख देंगे, और फिर देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे और हमारे पास ये टर्म आ जाए। यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, प्यारे बच्चों हमने क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात पढ़ी है, इसकी जो एवरेज ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 1/2 क्यूब की, ये कितनी होती है वो आप लिख लीजिए। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ए नोट क्यूब डिवाइड बाई एन क्यूब, ये लिख लीजिए आप यहाँ पर, ये जो वैल्यूज है ये लिख लीजिए, एल इंटू एल प्लस हाफ
इंटू एल प्लस वन, ये वैल्यूज है। अब आप देख रहे हैं ये जो ए नोट है, जेड तो एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस में हमने बताया था, लेकिन ये ए नोट जो है इसको आप जरूर लिख लीजिए। देखिए वेयर ए नोट क्या है, बोहर रेडियस या रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ये है बेटे। अब ये वैल्यूज यहां पर रख दीजिए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा ई एल एस, ये देखिए जो भी चीजें हैं एच एच उनको लिख लीजिए और ये साथ में लिख रहे हैं। ये देखिए यहां पर क्या है ई, जेड देखो जेड कितने हो गए, तीन तो यहां पर है क्योंकि ये वैल्यू यहां लिखेंगे तो यही आ जाएगा ना, मैं एक साथ लिख देता हूं स्टेप बच जाएंगे हमारे। यहां पर देखिए जेड क्यूब की जगह यहां क्या हो गया, जेड फोर हो गया है, जेड की पावर फोर हो गई है। ई कितना देख रहे हो आप, ई स्क्वेयर है यहां पर, मैं ई स्क्वेयर कर देता हूं, ये देखिए ई स्क्वेयर हो गया है। नीचे देखिए कितना है, फोर फोर और थर्टी टू, ये तो नीचे तो 32 हो गया है, हमने इसको भी खत्म कर दिया है। एम यहां पर है, यहां से देखिए ए नोट क्यूब यहां पर है, मैंने ए नोट क्यूब लिख दिया है। एन क्यूब भी है, चलिए वो भी हमने लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए। और उसके बाद ये 32 लिख ही दिया हमने, पाई का कितना हो गया, पाई क्यूब, पाई भी क्यूब हो गया है। ये देखो टर्म नहीं बचनी चाहिए कोई भी, पाई कितने थे स्क्वेयर और पाई पाई क्यूब हो गया, और एप्सिलॉन नोट भी है, एप्सिलॉन नोट भी लिख देते हैं, ये देखिए एप्सिलॉन नोट भी लिख दिया हमने। और यहाँ पर जेड की एच स्क्वेयर, ऊपर एच स्क्वेयर है वो भी लिख देते हैं, ये चलिए एच स्क्वेयर लिख दिया है, जेड भी आ गया है नीचे ये, और नीचे देखिए जो टर्म बचती है वो फिर लिख देते हैं हम, नीचे है एल, जो टर्म बच गई है देखिए ए नोट क्यूब आ चुका है, एन क्यूब आ गया है, एल ये लिख रहे हैं एल इंटू एल प्लस वन और एल प्लस वन, ये देखिए हाइडलबर्ग कांस्टेंट का टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एक यहां पर फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डालेंगे। देखिए आर क्या होता है आप जानते हैं, हाइडलबर्ग कांस्टेंट, इसमें ये क्या है हाइडलबर्ग कांस्टेंट, मैं लिख देता हूं आप लिख दीजिए हाइडलबर्ग कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं लिख देता हूं, आर की जो वैल्यू होती है वो है एम ई की पावर फोर, लिखते जाइए आप साथ, जो हाइडलबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है एम ई की पावर फोर, इसको हम इस ये जो टर्म है इसमें सेट करेंगे, देखेंगे कि कैसे। और एक होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जिसको हम अल्फा से लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट एच सी ए, ये टर्म थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए, ये हाइडलबर्ग कांस्टेंट है और इसमें हम रीअरेंज कर लेंगे इन टर्म्स को। प्यारे बच्चों ये देखिए पावर फोर है वो हमने यहाँ लिख दिया है एच सच, ये अल्फा पहले आप ये रखना, और जब ये चीज़ें आप रिवर्स में भी करके दे सकते हैं, जब यहाँ पर ये वैल्यूज रखेंगे तो ये वैल्यूज एच सच हमारी आ जाएगी, थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, ये जेड की पावर फोर हमने लिख दिया है एच सी, और नीचे जो है ये तो 32 था, इनमें से 8 तो हमने यहाँ ले लिया है, 2 यहाँ ले लिया है, तो 8 टू जा वो 16 आएगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, वो टर्म भी मैंने यहाँ लिख देता हूँ, और एक एप्सिलॉन स्क्वायर, थोड़ा सा आपको इसको रीअरेंज करना ही होगा। और ये देखिए एन क्यूब एल इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन, ये वैल्यूज आप देखिए जे इंटू जे प्लस वन, ये जो टर्म बची हुई थी ये भी हम यहाँ लिख रहे हैं इंटू माइनस माइनस एल इंटू एल प्लस वन और माइनस एस इंटू एस प्लस वन, ये टर्म। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हम इसको दे देते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी आ गई है। अब हम टर्म शिफ्ट की बात करेंगे, यहाँ एक बात ध्यान रख लेना, अब देखिए आर अल्फा की वैल्यूज यहाँ रख करके जब आप सोल्व करेंगे तो ये कि ये जो टर्म है मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी आपकी आ जाएगी, इसमें हमने कुछ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एडजस्ट करके ये वैल्यूज निकाली है, इसको रखने के बाद ये चीज़ आती है, एक बार आप इसको जरूर करके देख लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों टर्म शिफ्ट या लेवल शिफ्ट भी कहते हैं, और इसे हम टर्म वैल्यू
ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ये कितनी होगी वो देखिए इंटरेक्शन। प्यारे बच्चों देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एल एस, वो जो है ना लेवल स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे, वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से होती है। तो वो कैसे होती है, वो स्पिन ऑर्बिट जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है या जिसको हम मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं, अगर हम इसको देखिए इसको एच सी से डिवाइड कर दीजिए, ये करते हैं आपके पास ये टर्म से है ही, पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा ई एल एस हियर वी राइट पी एल एस, ये देखिए ये कितनी होगी वो देखिए, यहां से आर, ये एच सी है, जब इसको एच सी से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा आर अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1। और नीचे जो टर्म्स हैं वो तो लिख ही देंगे हम यहाँ पर, ये देखिए 2 एन क्यूब एल इंटू एल प्लस हाफ एल प्लस 1, ये टर्म हो गई है मेरे बच्चों। अब यहीं से ये जो इक्वेशन है ये जिसको हम कहेंगे ये हमें लेवल स्प्लिटिंग की बात होगी, इसे टर्म वैल्यूज जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे, मान लो जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसके लिए जे की क्या वैल्यूज होंगी वो रख देंगे यहाँ पर, एस की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी उसमें, और फिर उसमें बदलाव कितना चेंज कितना आ जाएगा, उस टर्म वैल्यू में बदलाव कितना जाएगा, जितना टर्म वैल्यू यानी कि लेवल अलग अलग वैल्यूज होंगी तो वो 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, उसकी 2 टर्म वैल्यूज हो जाएंगी। कैसे, चलिए देखते हैं। 4 हाइड्रोजन लाइक एटम, अब हम इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम इसलिए कि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, 4 सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ जे की वैल्यू क्या होती है ये तो हमें पहले ही पता है कि भाई जो एस होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 ये है, और जे की जो वैल्यू होती है टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस एस, एल तो यही ही और प्लस एस कितना हो गया ये, और दूसरी क्योंकि हम जानते ना कि जो जे की वैल्यू होती है वो एल प्लस एस टू एल माइनस एस होती है, तो ये दूसरी वैल्यू होगी एल माइनस हाफ। तो एक बार हम ये देखिए टर्म वैल्यू या एक लेवल की वैल्यू या टर्म वैल्यू निकालने के लिए इस जे के स्थान पर क्या रख देंगे एल प्लस हाफ, और एस के स्थान पर क्या रख देंगे हाफ, तो हमारे पास एक वैल्यू जी यानी ये इक्वेशन हमें क्या देगी, ये देखिए टी एल एस टर्म शिफ्ट ये हो जाएगा कितना, ये देखिए आप यहाँ पर टी एल एस इट इज इक्वल टू आर, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 यहीं से लिख रहा हूं मैं, और यहां पर जो जे है उसके स्थान पर मैं लिख रहा हूं एल प्लस हाफ, क्यों फिलहाल हम जे की वैल्यू एल प्लस हाफ लेके चल रहे हैं और वो चीज़ मैंने यहां रख दी है, उसके बाद जे के स्थान पर वही एल प्लस हाफ तो हम ये रखेंगे और हाफ यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये हो जाएगा एल प्लस 3/2 देखिए माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ये हो गई है, और माइनस हाफ इंटू हाफ और प्लस 1 ये 3/2 ही हो गया, यहाँ पर 3/2 ये देखिए, क्यों देखिए हाफ तो हमने यहाँ लिख दिया है एस के स्थान पर और एस के स्थान पर क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 ये हो गया है, और नीचे जो चीज़ है वो लिख दीजिए एच एस 2 एन क्यूब एल इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस 1 ये देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हम कर लेते हैं ये ब्रैकेट तो बंद हो गई है, ये आर अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एच सच लिख दिया है, यहाँ पर इसको थोड़ा आप ओपन कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एल को एल से करेंगे तो यहाँ तो एल स्क्वायर आ जाएगा, इस एल को इसके साथ करेंगे तो 3/2 एल आ गया, जब इस एल इसको इससे करेंगे तो प्लस हाफ एल हो जाएगा,
फिर इसको इससे साथ करेंगे तो हम 3/4 हो जाएगा, यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पर देखिए इसको भी खोल दीजिए, माइनस एल स्क्वेयर हो जाएगा। ये देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो माइनस एल स्क्वेयर और माइनस एल ये हो गया है, और ये देखिए नीचे कितना हो गया, माइनस ये है यहाँ पर, और 3/4 हो गया है। 3/4 ब्रेकेट को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो है इसको एच सच लिख देते हैं, 2n³ एल इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन। और अब जो एक पर और देख लीजिए TLS, अच्छा हम इसको है ना इस चीज़ के लिए डैश लगा देते हैं यहाँ पर ताकि डिफरेंशियल, और जब हम एल प्लस माइनस हाफ रखेंगे तब हम यहाँ पर डबल डैश कर देंगे, तो अलग अलग जो टर्म है, अलग अलग जो लेवल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। तो चलिए देख देते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ से ये एल स्क्वेयर से तो ये एल स्क्वेयर कैंसिल हो गया, कर दिया हमने, और ये 3/2 माइनस में है, ये 3/2 प्लस में है, ये 1.5 2L हो गया, ये माइनस का 1L है, तो कितना L बच गया, 1L। अब वो 1L हम यहाँ कैंसिल करते हैं, फिर जो बचता है वो लिख दीजिए, अच्छा जो टर्म बच रही है वो देख लीजिए, R अल्फा स्क्वेयर जेड की पावर 4, और नीचे जो लिख रहे हैं हम 2n³ इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन, और यहाँ पर ये सब टर्म तो आप देख रहे हैं कैंसिल, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये कब आई है, जब हमने j की वैल्यू l प्लस हाफ रखी है। अब हम देखेंगे कि जब हम l की वैल्यू l माइनस हाफ रखेंगे j के स्थान पर, यहाँ पर जहाँ j है, तो ये हमारे पास क्या आएगी वो भी देख लीजिए, यानी कि 4j इजिकल टू l माइनस हाफ। देखिए हम क्या लिखेंगे, TLS डैश, जो चीज़ आप देख रहे हैं R तो यहाँ सच है वो हम लिखी देंगे, और अल्फा स्क्वेयर जेड की पावर 4, और यहाँ पर अब बात आती है J के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, L माइनस हाफ लिख दिया है, इस J के स्थान पर क्या लिखेंगे, L माइनस हाफ और प्लस 1 ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर जो है वो एच सच लिख देंगे l इंटू एल प्लस वन, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, l इंटू एल प्लस वन ये लिख दिया है, और यहाँ पर माइनस हाफ, और माइनस हाफ ही यहाँ पर हाफ प्लस वन, ये देखिए ये लिख दिया, और जो चीज़ नीचे है वो हम एच सच लिख देंगे, क्या कि 2n³ l इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन, ये देखिए बाकी यहाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम इसको कर लेते हैं और लिख देते हैं। आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहे, थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा मैं पहले ही बता दिया, एक बड़ा आर्टिकल हो रहा है, ज़्यादा नंबर के ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है लगभग, डबल डैश से लिख देते हैं क्योंकि ये अलग हो जाएगा, इसको मैं डबल डैश कह देते हैं। ये देखिए अब वो जो चीज़ें हैं उनको एच सच लिख दी, ये स्टेप अपने आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें, कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह हमें ज़रूर उनकी वैल्यूज पहले से आई हुई उनको यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए R अल्फा स्क्वेयर जेड की पावर 4 लिख दिया हमने एच सच, और नीचे जो चीज़ है उसको भी लिख दिया है 2n³ l इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन, और लेकिन ऊपर जो है थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एल स्क्वेयर हो गया है, यहाँ पर क्या है L प्लस वन है ये, तो जब L प्लस है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लीजिए, क्यों देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो 1/4 ही हो गया ये तो, और इसको हम लिखेंगे माइनस L स्क्वेयर हो गया, देखिए माइनस L स्क्वेयर माइनस L, और यहाँ पर भी देखिए माइनस 1/4 ये हो गया है, और माइनस 1/4 को जब इससे 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2 ये आ गया है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए अब एल स्क्वेयर से तो एल स्क्वेयर कैंसिल हो गया है, लेकिन ये देखिए 1/4 कितना हो गया 1/2 माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 1, तो ये कुछ कितना हो गया है माइनस एल माइनस 1, यानी कि हम इसको कुछ इस पूरी टर्म के साथ हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकेंगे आर अल्फा स्क्वेयर जेड की पावर 4 डिवाइड बाई 2n³ एल इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस 1, और यहाँ पर देखिए क्या आया है, ये एक माइनस में है माइनस,
एल है और माइनस वन है तो इसको मैं प्लस वन कर देता हूँ, यानी ये टर्म अब हमारे पास यहाँ बचती है। ये हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है टर्म की वो आ गई है। एक बार हमने जे को एल प्लस हाफ रखा, दूसरा जे की जगह हमने एल माइनस हाफ, और ये दो वैल्यू जाए। अब डबल ये जो टर्म सेपरेशन कितना हुआ, इसमें से ये चीज़ हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास टर्म शिफ्ट आ जाएगी। भाई इन दो लेवल्स में एक लेवल था, एक लेवल ये है, मान लो एक लेवल ये है, तो कितना अंतर आया इन लेवल में, वो टर्म्स निकाल दिए हैं दो लेवल्स की, एक टर्म ये है एक है, तो टर्म शिफ्ट कितनी होगी, जिसे हम डबल टर्म सेपरेशन और टर्म शिफ्ट भी कहते हैं, यानी कि टर्म शिफ्ट क्या होगी, इसको हम डेल्टा टी से लिखते हैं, और ये टी एल एस जो हमारा सेकंड, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस टी एल एस डेल्टा। अब इन दोनों की वैल्यूज जो है आप यहाँ रख दीजिए, तो देखिए हम लोग लिखेंगे ये आर अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4, ये लिख दीजिए, और नीचे ये दोनों में ही क्योंकि कॉमन आएगी तो हम पहले एक साथ ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2n क्यूब l इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस 1। यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस वन और माइनस एल, ये इसमें से जब इसको सब लिख रहे हैं बाकी चीज़ कॉमन आ गई हैं। एक काम करते हैं अब हम इसको तो एच सच लिख देते हैं, यानी कि r अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइड बाई 2n क्यूब l इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस 1, और साथ में यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लिया हमने, 2l है ना यहाँ पे, यह क्या है माइनस 2l है और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस हाफ रह जाएगा, और माइनस साइन है, माइनस साइन को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये देखिए माइनस 2 कॉमन लिया माइनस, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये कैंसिल हो गया है, 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया है, और इस तरह से हमारे पास जो टर्म आ गई डेल्टा टी डबल टर्म सेपरेशन जो हम निकाल रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस आर अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1। देखिए जो आर है ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1.09737 इंटू 10 की पावर सेंटीमीटर इनवर्स, ये हम पहले से जानते हैं। और ये जो आर है हमारा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है ये है 1/137। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी और इसकी, इन दोनों की रिडबर्ग कांस्टेंट और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इन दोनों की वैल्यूज इसमें रख दीजिए, हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा दिस टर्म शिफ्ट, ये टर्म आ जाएगी, इनकी जब वैल्यूज रखेंगे माइनस है, माइनस को एच सच आप रख दीजिए, आर की ये वैल्यू रख दीजिए, और फाइन स्ट्रक्चर की कांस्टेंट की वैल्यू रखिए, और जब हम टू जेड की पावर 4, और नीचे जो टर्म्स हैं उनको एच सच लिख देते हैं हम लोग, ये देखो एक तो एन क्यूब है यहाँ पर, एन क्यूब लिख दीजिए साथ में एल और इंटू एल प्लस 1, ये सेंटीमीटर इनवर्स में बात प्यारे बच्चों हो गई है। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टाउ, यहाँ पर ये जो ये है ये सिंबल्स हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग यूज करते हैं, देखिए वेयर तो इज इट के इट इज इक्वल टू, ये किसके स्थान पर है, ये नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, बाकी सारा कुछ जैसे 5.82 जेड की पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1, ये यहाँ पे है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम डबल टर्म सेपरेशन निकाल दिया, हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम में जो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके केस में एस ऑर्बिट के लिए, पी ऑर्बिट के लिए, एस डी ऑर्बिट के लिए किस तरह से एक टर्म डबल टर्म में सेपरेशन होती है, उसको एग्जांपल जब हम करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। अभी तक आपको पता चल गया है कि हमने किया क्या है, ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन डबल टर्म सेपरेशन का, और यही है वो एक्सप्रेशन जो आपके सामने है, दिस इज़ दी
डबल टर्म के लिए क्या कर लेते हैं, ये जितने भी कॉन्स्टेंट है ये टर्म, ये अभी हमने पीछे ड्राइव की थी, इसको यूज करके हम फॉर एस ऑर्बिट के लिए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर एस ऑर्बिट के लिए, लेकिन वहां पर देखिए ये जो है ना, इसको मैं ए वन कह देता हूँ, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू एल एल प्लस वन हाफ वगैरह, और इनटू इसको ये जे इनटू जे प्लस वन माइनस एल इनटू एल प्लस वन माइनस एस इनटू एस प्लस वन और डिवाइड बाय टू। ये जो ए वन हमने रखा है ये इसके स्थान पर रखा, जैसे ए वन किसके स्थान पर रखा भी है, ये आप इस तरह से इसको लिख भी ले, देखिए इससे हमारी बात हमें समझ में आ जाएगा कि ये तो आर अल्फा स्क्वायर जेड की पावर फोर डिवाइडेड बाई एन क्यूब एल इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन, इनकी जगह पर रखा, यानी कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई। अब इसी को चलिए हम अप्लाई करते हैं फॉर एस ऑर्बिट के लिए। हम लोग जानते हैं कि एल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, और एस कितना होता है, हाफ होता है। तो फिर जो जे की ए वैल्यू होती है, जे क्या होता है, जे होता है एल प्लस एस टू एल माइनस एस, तो एल प्लस एस टू एस माइनस एस तो कितना होगा, टू ही होगा। तो अब हमारे पास देखिए जे की वैल्यू भी आ गई है, एल की वैल्यू भी है और एस की वैल्यू है, तो फिर ये टर्म शिफ्ट कितना होगा वो देख लीजिए, डेल्टा टी एल एस इट इज इक्वल टू, ये तो सब कॉन्स्टेंट हमने पहले ही रख लिया है, तो चलिए हम इसको ए वन ही रख देते हैं। यहाँ पर देखिए जे के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, जे इजकल टू हाफ, तो हम लिख देते हैं हाफ थ्री बाई टू लिख देते हैं, माइनस एल, एल कितना है जीरो, तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ को जो हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म जीरो हो जाती है, माइनस वही यहाँ पर देखिए एस के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, वन बाई टू, और एस के स्थान पर फिर वन बाई टू रखेंगे, प्लस वन है तो फिर क्या हो गया, ये इंटू थ्री बाई टू हो गया। चलिए थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और नीचे तो टू है ही बेटे, ये जो ये वाला, अब देखिए तो ए वन और बाई टू भी बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर, और ये तो जीरो है ही, माइनस थ्री बाई फोर, ये देखिए तो ये कितना आ जाएगा, ये तो जीरो आ गया। इसका मतलब जो जो लेवल था वो स्प्लिट वाई नहीं, वो सिंगल लेवल में ही रहा, मतलब ये जो टर्म शिफ्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं आया इसमें, हम ये कह सकते हैं कि जो एस ऑर्बिट है या जो एस टर्म है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए सिंगलट, सिंगल ही रहता, डबल टर्म में वो शिफ्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता, यानी कि देयरफॉर एस टर्म ऑलवेज एग्जिस्ट एज सिंगलट, सिंगल ही रहता है, सिंगलेट की फॉर्म में ही रहता है, ये डबल नहीं टूटती है, ये लेवल ऐसा ही रहता है, यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का इस पर फर्क नहीं पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे एस ऑर्बिट की बात कही थी, अब अगर हम इसे पी ऑर्बिट पर अप्लाई करें तो क्या होता है, फॉर पी ऑर्बिट के लिए प्यारे बच्चों, इसमें हमें देखना होगा कि जो हमारा एल है वो कितना होता है, पी ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू तो वन होती है, और एस कितना होता है, एस तो हाफ ही होता है, तो जो जे की वैल्यूज होंगी वो देखिए, जे होता है एल प्लस एस टू एल माइनस, एल प्लस एस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, और एल माइनस एस करेंगे तो कितना हो जाएगा वन बाई टू। इसका मतलब एक बार हम जे की वैल्यू थ्री बाई टू लेंगे और एक बार हम जे की वैल्यू वन बाई टू लेंगे, और बाकी की जो वैल्यूज हैं इसमें रख करके ए वन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इससे साथ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास टी एल एस डैश निकालते हैं, वो तो यहीं से निकालना पड़ेगा हमें, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास आएंगी ही, तो इसमें रखना होगा हमें। तो चलिए बताइए कितना होगा, ये ए वन बाई टू ये हमने रख दिया है, पहले हम जे की वैल्यू कितनी रखेंगे थ्री बाई टू, तो यहाँ जे की वैल्यू थ्री बाई टू रखते हैं, तो देखिए क्या आता है, थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू प्लस वन माइनस एल, एल तो कितना है, एल तो वन है, तो माइनस वन इंटू वन प्लस वन, तो ये तो टू हो गया है, और फिर माइनस एस, एस कितना है यहाँ पर वन बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, तो ये तो थ्री बाई टू हो जाएगा,
है, ये लीजिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और ये टू हमने जो था ये बाहर पहले ही ले लिया है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दीजिए, ए बाई ए वन बाई टू ये आप इसे लिखेंगे। और यहाँ से देखिए थ्री बाई टू, थ्री बाई टू टू, जब हम इसको करेंगे इसके तो टू और थ्री फाइव, तो ये क्या हो जाएगा फाइव बाई टू माइनस टू, और यहाँ से देखना माइनस थ्री बाई फोर ये हो गया है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए, ए वन बाई टू तो कितना हो गया ये फिफ्टीन बाई फोर हो गया ना ये तो, और माइनस टू और माइनस थ्री बाई फोर, थोड़ा सिंपलीफाई अगर हम और करें इसको तो ए वन बाई टू हो जाएगा। और एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया फोर, तो ये तो हो गया फिफ्टीन माइनस एट और माइनस थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये अब हमारे पास हो जाएगा, आप देख रहे हैं फिफ्टीन ए वन बाई टू, और वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसमें जो टर्म में वो था टी एल एस, ये डबल शिफ्ट। अब इसमें हम जे के स्थान पर क्या रखेंगे, जे के स्थान पर अब हम हाफ रखेंगे, और फिर ये हमारी इक्वेशन क्या देती है वो देखिए, हम लिख रहे हैं ए वन बाई टू, ये तो हमने पहले बाहर रख लिया है, इस जे के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं वन बाई टू, तो वन बाई टू लिख दिया है, और साथ में वन बाई टू प्लस वन यानी कि थ्री बाई टू हो गया, और माइनस एल, एल कितना है, L आप देख रहे हैं यहाँ तो L की वैल्यू 1 ही है, तो 1 इंटू वन प्लस वन तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 इंटू वन प्लस वन 2, और फिर माइनस ये, फिर देखिए यहाँ पर S कितना है 1 बाई टू, और 1 बाई टू प्लस वन कितना होगा 3 बाई टू, और आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, ए वन बाई टू इंटू थ्री बाई फोर, ये तो थ्री बाई फोर हो गया है, माइनस टू और माइनस थ्री बाई फोर, ये देखिए थ्री बाई फोर से थ्री बाई फोर तो कैंसिल हो गया है, माइनस टू बचता है तो टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी माइनस ए वन। प्यारे बच्चों देखिए दो एक टर्म डबल टर्म में शिफ्ट हो गई है, और ये ए वन कितना होगा वो यहाँ पर उनकी वैल्यू जरा करके हमारी इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो ये टर्म एक तरह से देखा जाए तो ये एक हमारी सिंगल टर्म थी, और स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से ये देखिए एक टर्म ये वाली कहाँ चली गई है, ये यहाँ गई है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये तो अनस्प्लिटिंग फॉर्म थी, और ये देखिए ये हो गई है। आप देखिए जो मैं बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गैप है ये है a1 वन बाई टू जो कि पॉजिटिव है, एक टर्म हमारी अपर शिफ्ट हो गई है, तो ये पहले वाली टर्म है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वैल्यू जहाँ पर j की वैल्यू 3 बाई टी टू थी ये, और ये जो सेकंड टर्म है ये इससे डबल, क्योंकि डबल दूरी आप देख रहे हैं, ये गैप मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है यहाँ पर और होना भी चाहिए, तो ये जो गैप आप देख रहे हैं ये इससे कितना नीचे चला है ए वन, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको नीचे की तरफ ले रहे हैं। तो ये वाली जो टर्म है ये कौन सी है, देखो जे की वैल्यू थ्री बाई टू है, और आपको मैंने बताया था इनका नोटेशन कैसे करते हैं, और पी और जो जे की वैल्यू होती है वो हम यहाँ नीचे की लिखते हैं, जे ये क्या है, ये जे हमारा थ्री बाई टू इस तरह से, ऊपर ये क्या है मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी किससे निकालते हैं बेटे, मल्टीप्लिसिटी होती है 2s प्लस वन, तो s की जगह तो हम क्या लिखें हाफ, तो हाफ से दो कैंसिल तो वन, वन प्लस वन टू, वो तो हम यहाँ लिखते हैं या उसका सिंबल लिखते हैं और नीचे j की वैल्यू रखते हैं। ये तो ये वाली टर्म थी जो शिफ्ट हो गई है ऊपर की तरफ, और ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर देखिए जब j की वैल्यू हाफ है तो मल्टीप्लिसिटी तो टू ही रहेगी, और p क्योंकि ऑर्बिट है तो नीचे आ जाएगा वन बाई टू, ये इसका नोटेशन हो गया है, और इस तरीके से हम इन टर्म्स को लिखेंगे। तो हमने देखा कि स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से एक टर्म दो टर्म्स में स्प्लिट हो गई है, और जो इस तरह से है ठीक ऐसे ही, ये तो हमने पी ऑर्बिट के लिए देखा, हमने अभी थोड़ी देर पहले एस ऑर्बिट में देखा था जो सिंगलेट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन पी ऑर्बिट जो है ये डबल स्प्लिटिंग हो जाती है इसकी, वो चीज़ आप देखते हैं। अच्छा
A1 की वैल्यू क्या होगी, आप देख रहे हैं A1 की जो वैल्यू है वो L और N पर डिपेंड कर रही है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, जो d ऑर्बिटल है वो कैसे सेपरेट होता है, उसकी टर्म किस तरह से चेंज होती है। अब हम 4d टर्म की बात कर लेते हैं। अभी तक तो आप समझ ही गए हैं प्यारे बच्चों, d ऑर्बिट के लिए या d टर्म के लिए l की वैल्यू क्या लेते हैं, l हमारी होती है 2 और s क्या होता है, s तो हाफ ही है, तो फिर जो j की वैल्यूज होंगी वो देख लीजिए, जे होंगी हमारी L प्लस एस, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो 5/2 और L माइनस 1 जब 2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 3/2। इसका मतलब जो जे की वैल्यू होंगे वो 5/2 और 3/2 होंगी। तो यहाँ जे की वैल्यू पहले हम 5/2 रखेंगे, हमारे पास एक टर्म आ जाएगी, और फिर हम जे के स्थान पर 3/2 रखेंगे तो हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर एक बात देखने की और है, यह L की वैल्यू 2 है यानी कि L 2 बढ़ गया है, तो इसलिए हम एक बात तो यहाँ कह ही सकते हैं कि ये जो A1 है अब जो कांस्टेंट की वैल्यू वो बदल जाएगी, क्योंकि L की वैल्यू बदल गई है, क्योंकि L की वैल्यू बढ़ी है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो A2 विल बी लेस देन A1, एक तो ये बात है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा ये टी एल एस डैश ये कितना आता है, वो यहीं पर इस कांस्टेंट की वैल्यू जब एल की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगी, वो आ जाएगी ये देखिए ए टू बटा 2 हम कर देते हैं। अब यहाँ जे के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, 5/2, तो ये देखिए 5/2 तो ये हो गया है, और 5/2 + 1 चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 5/2 + 1 इस तरीके से हम लिखेंगे, माइनस एल कितना है 2 × 2 + 1, तो ये तो 3 हो जाएगा, और माइनस एस हाफ इंटू हाफ प्लस 1 ये लिख देंगे, और इस तरीके से आप ये 2 हमने बाहर पहले ले लिया है, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, A2/2, और ये देखो 2 यहाँ लिख देंगे तो 5 × 2 7 × 2, और तो ये तो कितना हो जाएगा 35/4 हो जाएगा, और माइनस 6 × 2 = 6, और माइनस यहाँ से देखिए 3/2 है और 1/2 है, तो 3/4 हो जाएगा, ये इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे इसको। और ये देखिए A2/2, अब यहाँ से देखिए जो हमारा एलसीएम जब हम लेते हैं तो 4, तो ये तो कितना हो जाएगा 35 − 24 और −3, तो प्यारे बच्चों देखिए कितना बच गया, ये 27 हो गए हैं, और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आएगा, और तो ये कितना हो गया है A2/2 × 2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया है A2 सिर्फ। ये तो टर्म जब आई है जब हम J की वैल्यू को 5/2 रखते हैं, तो ये आई। अब हम J की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो आ जाएगी, यानी उसको हम TLS डबल डैश से लिख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर अब आप रख दीजिए तो वो तो A2/2 तो हम लिख ही रहे हैं, साथ में ये जे के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं 3/2, तो चलिए लिख देते हैं 3/2 × 3/2 + 1, तो ये बस 5/2 हो जाएगी ना, लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली 5/2, माइनस तो एल तो 2 ही है, और 2 × 3/2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, और साथ में −1/2 × 1/2 + 1, ये देखिए इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि A/2, एक तो ये, तो ये कितना हो जाएगा 15/4 −6 − ये 3/2 था, ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/4, इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, A/2 यहाँ से एलसीएम 4 आता है, तो ये 15 − 24 और −3, और इस तरह से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें ऊपर 12/4, तो 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये 3, तो ये जो वर्ड आया है ये आ जाएगा 3/2A2, ये देखिए, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। तो जिस तरह से हमने यहाँ शो किया था उसी तरीके से आप यहाँ भी इस डी टर्म के लिए या डी ऑर्बिट के लिए, इसके लिए भी अगर हम इस तरह से टर्म शिफ्ट को शो करें तो कैसे करेंगे, देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये A2 है और ये −3A/2A2 है, ये देखिए यहाँ से आप देखते हैं तो ये तो कितना है A2, तो ये टर्म शिफ्ट हो गई है ऊपर, जो अनस्प्लिट
लेवल थी उससे ये लेवल आ गया है, ये लेवल आप देख सकते हैं। और जो नीचे है वो है वन एंड, ये तो कंप्लीट था, ये है थोड़ी ज़्यादा, इसको आप इस तरह से शो करेंगे। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ऊपर वाली, ये गैप तो कितना है, ये तो A2 जितना ही है, प्लस में है ना A2। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला जो गैप है ये कितना है, ये है 3/2 A2, मतलब 1.5 हो गया ना ये। और इस इन टर्म्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो D टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही वो तो जो मल्टीप्लिसिटी है तो वो तो 2s प्लस होती है, मल्टीप्लिसिटी जो है वो होती है 2s प्लस 1, और वो तो आप रखेंगे तो 2 × 1/2 + 1 ही आएगा ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये तो 2 है, तो मल्टीप्लिसिटी हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि d टर्म है तो इसको हम d लिखेंगे। और यहाँ j की वैल्यू जो है थी आपने देखा कितनी थी, यहाँ j की वैल्यू 5/2 थी, तो यहाँ 5/2 लिख देंगे हम, और यहाँ पर j की ये तो 2 ही आएगा लेकिन d 3/2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी डी टर्म है ये भी डबल टर्म सेपरेशन या डबलेट्स में स्प्लिट, डबलेट्स शो करती है, या यूँ कह सकते हैं देर अकर थी डबल टर्म सेपरेशन, और वो इस तरीके से होता है। ये A2 की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये A1 से कम है, इसका मतलब ये जो टर्म जो सेपरेशन है ये डिक्रीज हो गया है विद इंक्रीजिंग दी वैल्यू ऑफ n एंड l, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ता है l बढ़ता है तो a इस कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये जो सेपरेशन है जो यहाँ थोड़ा ज़्यादा था वो कम हो गया है ये d में। और हमारी s टर्म थी वो तो सिंगलेट में ही एग्जिस्ट करती है। चलिए अब एक और देख लेते हैं, हम f टर्म को भी देख लेते हैं, उसे और आइडिया हो जाएगा, हम देखेंगे कि वो और कम हो जाता है इनका गैप। f टर्म भी डबल टर्म सेपरेशन या डबलेट्स शो करती है, लेकिन ये जो सेपरेशन है ना ये कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एफ टर्म के लिए एल की वैल्यू फिर इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, ये है फॉर पी टर्म के लिए, ये है फॉर डी टर्म के लिए, और अब हम देख रहे हैं फॉर एफ टर्म। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, और जो s है दैट इज इक्वल टू 1/2, तो फिर j की क्या वैल्यूज होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। l प्लस s में जब हम ऐड करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, l माइनस s करेंगे तो ये 5/2 हो, यानी कि j की दो वैल्यूज होंगी। चलिए पहले देख लेते हैं, और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखें प्यारे बच्चों, देखिए एल की वैल्यू बढ़ गई है तो L की वैल्यू बढ़ने से ये जो कांस्टेंट है ना इसकी वैल्यू क्या करेगी, घट जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो फिर अब देखते हैं टी एल एस, हम पहले J की जगह 7/2 रखेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी। इस बार हम इस कांस्टेंट को, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है, L जब हमने यहाँ पर 1 रखा था तो जो L की वैल्यू अलग थी, अब L की वैल्यू अलग है इसलिए A3 कह देते हैं, और ये 2 भी हम बाहर ले लिया। अब यहाँ से देखिए J की जगह क्या लिखेंगे, J है हमारे पास 7/2 × 7/2 + 1, फिर माइनस L, L कितना है यहाँ पर 3 × 4, फिर माइनस S 1/2 × 1/2 + 1। ये देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं A3/2, और ये देखिए 7 इसको करेंगे 2 को तो ये 9/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 63/4 -12, और माइनस ये 3/2, और 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम हमारे पास 4 आ गया है तो 63 − 48 − 3, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक तरह से, ये देखिए 4 × 3 = 12, और ये हो जाएगा 3/2 A3। ये चीज़ मैंने पहले बता दी क्योंकि L की वैल्यू बढ़ गई है ना यहाँ पे, तो ये जो हमारा A3 है ना ये A2 से भी छोटा है, और A2 तो पहले ही A1 से कम है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारे पास ये टर्म तो आ गई है, अब हम ये देखिए J की जगह 5/2 रख करके देखेंगे, फिर देख तो हमने लिख ही दिया है बट डिवाइड बाई 2,
यहां जे के स्थान पर हम लिख रहे हैं 5/2, तो यानी कि 5/2 इंटू 5/2 प्लस 1 माइनस एल, एल कितना हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 1 4, तो चलिए 4 लिख देते हैं, और माइनस हाफ एस की जगह तो हाफ ही लिखना हमें, और इंटू हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, ये और हो जाएगा, और ये देखिए, और इसको थोड़ा सा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो देख 4 ही हो जाएगा, माइनस 12 और माइनस 3/4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, ए 3/2 तो इनटू में ये जो एलसीएम है ये 4, तो 35 माइनस 48 माइनस 3, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 16/4 हो जाएगा, 4 जा ये 2 जा, तो ये लगभग हो गया 2a3, ये हमारे पास आ गया है, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में आ गया है, यानी कि दो टर्म अब हमारे पास 4f टर्म। देखिए यहां सिंगल टर्म, अब f दो लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी, देखिए यहां पर एक बात है, क्योंकि हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो सिंबल है, ये जो टर्म है, ये है 3/2a3, और नीचे वो a3 से डबल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा गैप, ये देखिए ये इतनी हो गई है, ये देखिए। तो ये जो टर्म f टर्म को हम किससे लेते हैं, हमारा वो जो मल्टीप्लिसिटी है वो तो 2 ही रहेगी, इसको हम f से लिखते हैं, और ये 7/2, और ये देखिए ये 2 f, ये किसके लिए आई थी हमारी 5/2 के लिए आई थी, ये जो सेपरेशन है ये 2a3 के लिए है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों, ये f टर्म के लिए है, ये d टर्म के लिए है, ये p टर्म के लिए है, और s टर्म जो थी वो सिंगलेट में थी। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि जो a3 है इट इज़ लेस देन a2, इज लेस देन a1। इन सिंबल से भी पता चल रहा है आपको कि जैसे जैसे n, l और n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये जो डबल टर्म सेपरेशन है ना, ये घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और आप लिख भी दीजिए इसको यहां पर, वी नो दैट एज द एल एंड एन इंक्रीजेस द डबलट टर्म सेपरेशन डिक्रीजेस। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, हमने एग्जाम्पल के साथ भी एस टर्म, पी टर्म, डी और एफ टर्म में किस तरह से डबलट टर्म सेपरेशन होता है वो बताया, लेकिन उससे पहले हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया डबलट टर्म सेपरेशन का, कि जो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स है, एक बार अगर आपको देखने से समझ में नहीं आ रहा, एक बार वीडियो को फिर देखें और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहें। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और उन स्टेप्स को याद रखते हुए अगर आप इसको डिराइव करोगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एंड डबल टर्म सेपरेशन, या कई बार इसमें से छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द टर्म सेपरेशन या डबल टर्म सेपरेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन ऑफ द एफ टर्म और डी टर्म, या किसी में भी क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत टाइम हमने एक हो गया है इसको पढ़ाते हुए, आपको समझाते हुए, अब आपकी बारी है, आपकी टर्न है, और टर्न यही कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर, इन पर अपलोड होते रहेंगे, जो आपको अच्छी स्कोरिंग करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। इसलिए समय पर नोटिफिकेशन आप मिल जाए, समय पर आपको पता चल जाए कि कब वीडियो अपलोड हुआ है, तो फिर बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट्स ज़रूर करें, और हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स भी
डाउनलोड कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं आपकी तैयारी के दौरान। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी भी रूप में आज कंट्रीब्यूट किया है, पूरे वीडियो को देखा है, शेयर किया है, लाइक किया है या फिर सब्सक्राइब किया है या कमेंट्स करके कुछ सुझाव दिए हैं, मैं उन सभी का यहीं से थैंक्स करता हूँ।